हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं इन्फेरेंस रूल्स। नाउ इन्फेरेंस रूल्स का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ टेबल्स एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी का वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार चैनल पर देख लो, मैंने ऑलरेडी वहां पर वीडियोज को मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर उसके बाद में वो वीडियो देखने के बाद में अगर आप इस वीडियो पे आते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्फेरेंस रूल्स में आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन रहेगी और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे उसको कंक्लूजन निकालना है, तो इन सबके लिए आपको यहाँ पे ट्रुथ टेबल्स कैसे निकालना है वो आपको आना कंपलसरी है, ठीक है। तो चलो फिर आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं, जिसका नाम है इन्फेरेंस रूल्स। नाउ व्हाट इज द इन्फेरेंस रूल्स। नाउ इन्फेरेंस रूल्स को अगर मैं बेसिक टर्म में बोलूं कि आपको यहाँ पे कुछ दो तीन स्टेटमेंट्स गिवन रहेगी, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कि आपको कंक्लूजन निकालना है, वो कंक्लूजन आपका राइट है रॉन्ग है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसमें आपको इन्फेरेंस रूल्स में आपको चार रूल्स आपको पढ़ने हैं, तो आज की वीडियो में अपन दो रूल्स पढ़ेंगे और दो रूल्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पहला आपका रूल है यहाँ पे मॉडस पोनेंस, इसको हम बोल सकते हैं क्या, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। नाउ व्हाट इज मॉडस पोनेंस, इसको मैं यहाँ पे एक फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है किस तरीके से वो समझते हैं, और इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे मॉडस पोनेंस का आपको यहाँ पे एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, दिस रूल इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इसमें इन्फेरेंस रूल्स में आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। नाउ यहां पे मैंने दो वेरिएबल लिखा, कौन से, एक पी लिया एक क्यू लिया, ठीक है। अब यहां पे मेरी दो स्टेटमेंट है, कौन कौन सी, पी इंप्लाइज क्यू एंड पी, ये मेरी दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, पी इंप्लाइज क्यू, और सेकेंड स्टेटमेंट है मेरी पी। नाउ जब इसका मैं कंक्लूजन इसका रिजल्ट निकालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, क्यू मिलना चाहिए। मतलब क्या पे क्या हो रहा है, पी इंप्लाइज क्यू हो रहा है एंड पी, तो उसका जो आंसर आएगा मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, क्यू। तो इन्फेरेंस रूल्स में आपके दो यहाँ पे आपके लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज होंगे, कौन से, एक तो इम्प्लीकेशन और एक एंड वाले, यानी इसको हम बोलेंगे कंजक्शन। तो पी इंप्लाइज क्यू एंड पी, उसका आंसर आएगा क्यू, मतलब जो भी आपका ये क्यू रहेगा वो आपको यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब ये किस तरीके से आता है वो अपन एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है। ना आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास ही विल गेट अ जॉब इजिली। सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास देयर फोर ही विल गेट अ जॉब इजिली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास, अगर सुरेश को फर्स्ट क्लास मिलता है ही विल गेट अ जॉब इजिली, उसको जॉब काफी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास, सुरेश को हमेशा फर्स्ट क्लास मिलता है देयर फोर ही विल गेट अ जॉब इजिली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पी स्टेटमेंट लिया मैंने, क्या, सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद मैंने क्यू स्टेटमेंट क्या लिया, सुरेश विल गेट अ जॉब इजिली। अब मेरे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट हो गए, दो स्टेटमेंट हो गए, बराबर, इनको मैंने लिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, नाउ अब देन द प्रीमाइसेस आर पी इंप्लाइज क्यू एंड पी, द कंक्लूजन इज क्यू, यही हमने बोला था कि पी इंप्लाइज क्यू होना चाहिए एंड क्यू पी आना चाहिए, तो उसको जो आंसर आएगा आपको क्या मिलना चाहिए, क्यू मिलना चाहिए। अब ये कैसे मिल रहा है वो देखते हैं, चलो। नाउ इन्फेरेंशियल फॉर्म आपको कैसे मिल जाएगा, पी एंड क्या आना चाहिए, पी इंप्लाइज क्यू। नाउ पी क्या आपका, सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास एंड, अब मैंने यहां पे एंड डाला, पी इंप्लाइज क्यू, दैट इज योर, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास देन सुरेश विल गेट अ जॉब इजिली। तो अब यहां पे देखो आंसर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो आपका क्यू आंसर क्या है, आपने क्यू स्टेटमेंट क्या कंसिडर किया है, सुरेश विल गेट अ जॉब इजिली। तो इस स्टेटमेंट में आपको ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि अगर सुरेश को अगर फर्स्ट क्लास मिलता है तो उसको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो एट दी एंड आपका यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर वो पढ़ाई अच्छे, उसको अगर फर्स्ट क्लास मिलेगा तो एंड में क्या होने वाला है उसके पास, उसको जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी। तो वही आपका कंक्लूजन है, मतलब क्या कंक्लूजन आपका, क्यू। तो क्यू मतलब क्या बोलता है, पी एंड पी इंप्लाइज क्यू, तो पी क्या आपका, सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास एंड इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास देन सुरेश विल गेट अ जॉब इजिली। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, सुरेश विल गेट अ जॉब इजिली, समझ में आया। हेंस दिस फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। तो एंड में आपको यहाँ पे क्या करना है, इन्फेरेंस रूल्स में, यानी आपको जो पहला रूल था आपका मॉडस पोनेंस, इसमें आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है, आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेके, कौन से दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है आपका पी और दूसरा है आपका पी एंड पी इंप्लाइज क्यू। तो यहाँ पे दो आपके लॉजिकल कनेक्टिविटीज होंगे, कौन सा वाला, एक तो एंड जिसको हम बोलते हैं कंजक्शन, दूसरा बोलते हैं किसको, यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मुझे क्यू आना चाहिए। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को, इस आपके
फॉर एक्सप्रेशन को अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर, आपको यहाँ पे आंसर क्यू ही मिलेगा, समझ में आया। हेंस देयर फॉर दिस इज फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, हुआ क्लियर अच्छे से। ठीक है चलो अब आते हैं सेकंड वाले आपके रूल के ऊपर। नाउ सेकंड रूल आपको यहाँ पे क्या बोलता है, मॉडस्ट टॉलरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है अब यहां पे किस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर एग्जाम में लिखा होगा आपको कि यहां पे आपको किसी भी आपको इन्फ्रेंस रूल से आपको सॉल्व करना है स्टेटमेंट को, तो वहां पे आप इन सारे रूल्स का फॉलो कर सकते हो। दिस रूल इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब यहां पे आपके दो अगेन कौन से लॉजिकल कनेक्टिविटी, कौन कौन से, सेम इम्प्लीकेशन एंड कंजक्शन। ठीक है तो कैसे हम रीड इसको, हम कैसे रीड करेंगे, पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन क्यू। इसका आंसर क्या आना चाहिए मुझे, नेगेशन पी आना चाहिए। ठीक है अब इस स्टेटमेंट को मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे प्रूव करना है कि ये मेरा जो स्टेटमेंट, ये जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है ये राइट है कि रॉन्ग है। अब कैसे करेंगे, नाउ देखो यहां पे लिखा हुआ है दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड सिंस पी इंप्लाइज क्यू एंड नेगेशन क्यू। आंसर क्या आता है उसका, हमेशा नेगेशन पी इज अ टॉटोलॉजी। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता है कि आपको किस तरीके से इसका आंसर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इन सबका क्या करो, आप यहाँ पे ट्रुथ टेबल्स निकाल लो। तो आपका एंड में क्या आएगा, ये आएगा आपके यहाँ पे वेरिएबल क्या आएंगे, p q नेगेशन q p इंप्लाइज q और इनका एंड वाला पार्ट। तो ये जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, जो आपका प्रीवियस आपने जो पहला रूल आपने पढ़ा था उसको भी आपको इस तरीके से लिखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाने के बाद में आपको इसका आंसर मिलेगा जो होना चाहिए आपका टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या कि आपका जो एंडिंग वाला जो कॉलम होगा उसमें हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सारे वैल्यू ट्रू होने चाहिए, हुआ क्लियर अच्छे से। नाउ अब समझते हैं इसे एक एग्जांपल की, यहाँ पे आपका मॉडस्ट टॉलरेंस किस तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है। इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास ही विल गेट अ जॉब, सुरेश डज नॉट गेट अ जॉब देयरफॉर सुरेश डज नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास, अगर सुरेश को फर्स्ट क्लास मिलता है ही विल गेट अ जॉब इजिली। ठीक है सेकंड में क्या बोलता है, सुरेश डज नॉट गेट अ जॉब, सुरेश को जॉब नहीं मिली है देयरफॉर सुरेश डज नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, समझ में आया। अब मैंने यहां पे क्या किया, दो स्टेटमेंट लिया, कौन कौन सा, एक लिया पी एक लिया क्यू। पी को मैंने कंसिडर किया सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास और मैंने क्यू को लिया सुरेश गेट्स अ जॉब। ठीक है अब मुझे क्या करना है कि इस आपका जो ये लॉजिकल फॉर्म है इसको मुझे यहां पे टोटोलॉजी प्रूव करना, तो किस तरीके से करेंगे ना, देखो अब यहां अब इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं इस सारे स्टेटमेंट के ऊपर। P implies Q बोला मतलब क्या होगा, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास देन सुरेश गेट्स अ जॉब, ये आ गया पहले वाले का। ठीक है अब यहां पे क्या लगाएंगे, एंड दैट इज योर कंजक्शन, एंड नेगेशन क्यू बोला है तो नेगेशन क्यू मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, सुरेश डज नॉट गेट अ जॉब तो आंसर क्या आएगा इसका, नेगेशन पी। नेगेशन पी क्या है, सुरेश गेट्स अ सुरेश डज नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। तो पहली लाइन में क्या बोला हमने यहां पे, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास देन ही विल गेट अ जॉब बराबर, एंड सुरेश डज नॉट गेट अ जॉब देयरफॉर सुरेश डज नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी हमने इसको यहां पे प्रूव किया है बराबर, तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, यहां पे पूरा स्टेटमेंट अच्छी तरीके से प्रूव हो रहा है, देयरफॉर हेंस द अबव आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। पहले स्टेटमेंट हमने क्या किया, इफ सुरेश गेट्स अ फर्स्ट क्लास ही विल गेट अ जॉब, इसको मैंने प्रूव कर दिया। एंड अब क्या बोला, नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब सुरेश डज नॉट गेट अ जॉब देयरफॉर सुरेश डज नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, समझ में अच्छी तरीके से। तो ये था क्या आपका यहाँ पे मॉडस्ट पोलेंस एंड दूसरा आपका मॉडस्ट टॉलरेंस बराबर। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं डीएस के अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।